हिमाचल प्रदेश में लगातार हुई मानसून की बारिश ने प्रदेश के लाइफ लाइन कही जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन बस सेवा के पहियों को भी रोक दिया। हिमाचल में चलने वाली 3600 रूट में से 1100 बस रूट अभी भी बहाल नहीं हो पाए हैं। एचआरटीसी के बेड़े में 3500 बसें हैं, जिनमें से 316 बसें अभी भी लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह फंसी हुई हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 220 बस रूट बहाल हो गए हैं। इस दौरान 300 बसों को भी निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 1100 बंद रूट में सबसे ज्यादा 335 रूट कुल्लू जिला में ठप पड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद एचआरटीसी के लिए राहत भरी बात यह है कि बरसात के रौद्र रूप में एचआरटीसी बसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि बस अड्डों को जरूर नुकसान हुआ है। शिमला चंडीगढ़ रूट पर भी बस सेवा बहाल कर दी गई है। जैसे ही सड़कें ठीक होती हैं, बस रूट बहाल कर दिए जाएंगे। सबसे पहली बात, डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बारिश पड़ी थी, फिर भी एचआरटीसी ने, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एचआरटीसी ही था जो लोगों को एकमात्र पब्लिक सर्विस के लिए जो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम था। आपका सवाल है कितने रूट्स, दो चीज़ें हैं, एक है कितने रूट्स, कितनी सर्विसेज हमारी डिस्टर्ब हुई, और दूसरी हमारी कितनी बसें कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। तो आज जैसे हम बात करें, लगभग हमारे 1100 सर्विसेज ऐसी हैं 3600 में से जो अभी भी चालू नहीं हुई हैं। अधिकतम कुल्लू जिले में है, क्योंकि 335 रूट हमारे कुल्लू के अभी भी लिंक रोड्स और जो मेन रोड्स हैं वो अभी भी डिस्ट्रप्टेड हैं। साथ साथ में कोई लगभग 316 बसेज ऐसी हैं जो अभी ऑन द रूट, हमारी लगभग 3500 बसेज हैं, तो लगभग 300 बसेज अभी ऑन द रूट लैंडस्लाइड वगैरह से अभी अपने डिपोज नहीं पहुंची। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि पिछले एक दिन में जिस प्रकार का प्रोग्रेस हुआ है, पिछले एक दिन में 220 रूट्स सर्विसेज हमारी बहाल हुई हैं, और लगभग 300 बसें लैंडस्लाइड में जहाँ फंसी हुई थी वो वहाँ से अपने डिपो, अपने डेस्टिनेशन पहुँच गई। तो ये है एक और चीज़, अच्छी बात है कि हमारी कोई भी बस ऐसा डैमेज नहीं हुई है, और थोड़ा बहुत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर, जैसे कि कुल्लू वगैरह में थोड़ी रेत हमारे बस स्टॉप में आया है, बट कोई हमारा बस का कोई लॉस नहीं हुआ। आज सुबह ही मैंने एक प्रेस नोट इशू किया, हमने आज से सारी रेगुलर सर्विसेज बहाल कर दी। कल की भी हमने सर्विस इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो 10 यही है, अब कल 11 थी, तो 10 तारीख को क्या हुआ था कि हमारे कुछ कस्टमर्स आ गए और उन्होंने इंसिस्ट किया कि बस चले, वो बस हमने चलवाई, परंतु जब वो स्लाइड में फंसे तो उनको बहुत इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी। इसलिए हमने कल ये डिसीजन लिया था कि शिमला से जो ओरिजिनेट होती हैं बसेज चंडीगढ़ को, वो नहीं चलेंगी, परंतु रोडू, रामपुर और जो बैक से रेकोंकियो से जो बसेज आती हैं वो फिर भी चालू थी। आज हमने ये डिसीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोलन से कॉन्फिडेंस में लेकर बात की थी, और आज हमने उनको ही कॉन्फिडेंस में लेकर आज फिर से हमने सर्विसेज बहाल कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।